और अब रुक करते हैं जयपुर का, जहां ज्योति विद्यापीठ महिला विद्यालय की वार्षिक उत्सव ज्योति उत्सव 2021 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एसीबी के डीजी बीएल सोनी रहे। इस दौरान स्टूडेंट्स ने रंगारंग कार्यक्रमों पर प्रस्तुति दी, वहीं अवार्ड सेरेमनी का आयोजन भी किया गया। ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के वार्षिक उत्सव ज्योति उत्सव 2021 के दौरान मग आइकॉन अवार्ड भी दिए गए, वहीं महिलाओं को विमेन आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बीएल सोनी मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ मौजूद रहे। तस्वीरें हैं ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के वार्षिक उत्सव ज्योति उत्सव 2021 की। एसीबी के डीजी हैं बीएल सोनी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बने। इस दौरान स्टूडेंट्स ने रंगारंग कार्यक्रमों को प्रस्तुतियां भी दी। अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। अवार्ड की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिनको सम्मानित किया गया, जिनको अवार्ड दिया गया। ज्योति विद्यापीठ महिला व महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव ज्योति उत्सव 2021 के दौरान माई आइकॉन अवार्ड भी दिए गए, वहीं महिलाओं को विमेन आइकॉन अवार्ड से भी नवाजा गया। पहली महिला विश्वविद्यालय है और निजी क्षेत्र में अभी तक 300 से ऊपर विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी है और उसमें अकेली मात्र महिला विश्वविद्यालय है। जब भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाने की बात हुई तो कहीं ना कहीं इसको डेट सेक्टर मान के और कोएड इंस्टीट्यूशंस की तरफ इन्वेस्टमेंट गया। हमने इसको देखा कि कुछ ऐसी डिसिप्लिन जो महिलाओं के लिए ऑफर नहीं थी प्रीवियस महिला विश्वविद्यालयों में, उनको हमने यहाँ प्रमुखता से प्रारंभ करा, क्योंकि आज के तारीख में कोई भी ऐसी डिसिप्लिन या कोई भी ऐसा जॉब प्रोफाइल नहीं बचा जो महिलाएं उसमें अपना परचम ना ले रह सके, और उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ, ज्योति महिला विद्यापीठ विश्वविद्यालय में आकर के बहुत अच्छा लगा। महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर है। विभिन्न राज्यों से आई हुई हमारी बेटियाँ यहाँ पर बहुत उत्कृष्ट काम कर रही है, अलग अलग तरह की विधाएँ सीख रही है, न केवल क्लासरूम स्टडीज़ में बल्कि जो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो स्किल डेवलपमेंट का काम है, वो भी यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। और आज आपने देखा कि बच्चियों ने इतने सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिसमें कि एक पूरे देश की एक छटा देखने को मिलती है। यहाँ पर जो जिन महिलाओं ने बहुत ही उत्कृष्ट मंजिलें हासिल की है उनको सेलेक्ट करके और उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है, जो कि हमारी जो बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ती हैं उनको मोटिवेट करती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है इनका।